अकबरुद्दीन ओवैसी ने सबको माफ किया, हर एक को माफ किया। ये इमारत ईसार की निशानी, ये इमारत कुर्बानी की निशानी, ये इमारत अज़्म की निशानी है, ये इमारत हौसले की निशानी है, ये इमारत एक जुनून की निशानी है और ये इमारत ये कुर्बानी की निशानी है। चलो आज इस खुशी के मौके पर अकबरुद्दीन ओवैसी ऐलान करता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी आज हर एक को माफ करता है, उनको भी माफ करता है जिन्होंने मेरे रास्तों में कांटे बिछाए, उनको भी माफ करता हूं जिन्होंने मेरी आवाज को दबाया है, उनको भी माफ करता हूं जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया, मुझ पर मेरा खून बहा उनकी वजह से। चलो आज आपकी मौजूदगी में आप गवाह हैं, अल्लाह के पास आओ गवाह है, मंसूर तुम गवाह हो, अहमद सादी तुम गवाह हो, मेरे खून को बहाने वालों को भी आज अकबर ओवैसी माफ कर करता है। ये मेरे रसूल अल्लाह की तालीम है, मैं रसूल अल्लाह का गुलाम हूं, रसूल अल्लाह की तालीम पर अमल करता हूं। चलो तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ, हमारा अमल हमारे साथ। बस यही रसूलल्लाह ने माफ किया था हिंदा को भी, हिंदा को भी माफ किया जिसने कलेजा चबाया था, आज अकबरुद्दीन ओवैसी भी माफ करता है। रसूलल्लाह ने कहा था माफ करता हूं मगर मेरे सामने ना आओ, मैं भी आज माफ करता हूं बस मेरे सामने ना आओ। अल्लाह जानता है 13 वर्ष और आज भी किस कर्म में गुजारता हूं एक एक लम्हे। ये पेट फूल जाता है, ये पेट में अंतड़ियां नहीं, मेरा गुर्दा खराब, आयरन नहीं बनता, इतनी तरफ है मेरा अल्लाह मेरा रसूल जानता है, मगर फिर भी मैं कहता हूं कि माफ किए। इज्जत जिल्लत शोहरत नाम दौलत मौत वो हयात किसी के हाथ नहीं, अल्लाह के हाथ। और मैं खड़ा हूं, इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी, इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी कि अल्लाह ने वक्त मुकर्रर नहीं किया था इसलिए मौत नहीं। कभी भी मैं मेरी आल मेरी औलाद अहमद बलाला के एहसान को कभी नहीं भूलेगी, अहमद सादी के एहसान को नहीं भूलेगी, मंसूर अवलगीर के एहसान को नहीं भूलेगी, महमूद अवलगी के एहसान को नहीं भूलेगी। वो अरब बरादरी के लोगों ने जख्मी अकबर ओवैसी को जो उठाया था दवाखाने तक पहुंचाया, आखिरी सांस तक भी आपके एहसान को कभी नहीं भूलो। चलो आज उनको भी माफ किया जिन्होंने साथ छोड़कर राह फरारीख दिया, उनको भी माफ किया जिसने साथ दिया उसका एहसान, जिसने साथ नहीं दिया उसका भी एहसान, हर एक का एहसान। अरे मेरे भाई, दुनिया कुछ भी कह ले, अकबरुद्दीन ओवैसी को ना कभी दुनिया से मोहब्बत थी, ना है ना कभी रहेगी। अरे ये दुनिया में खयाम तो आरजी है, ये खयाम एक जेल की मानन है। अरे इस खयाम में कामयाब हुए तो फिर
वहां पे हमको मिलेगा अल्लाह के पास। बहरहाल अल्लाह नमाज का वक्त अजान का वक्त हो रहा है, और भी कहना चाहता था लेकिन बस यही कहूंगा कि ये इदारे आप इन इदारों की हिफाजत करो।